फिर निवेदन करूंगा, अगर जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कोई काम ऐसा है जो नहीं हो रहा है, बहुत संघर्षमय जीवन अगर चल रहा है और कार्य सफल नहीं हो रहा, तो पशुपति व्रत करिए। पशुपति नाथ का व्रत सोमवार के दिन होता है, 5 सोमवार, किसी भी 5 सोमवार को आप पशुपति नाथ का व्रत कर सकते। सुबह स्नान आदि कर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। जिस थाली से आपने शंकर भगवान का पूजन करा है, जिस थाली से शिव जी की आराधना करी है, वही थाली वापिस घर में लेकर आ जाए। शाम के समय उसी थाली में 6 दिए रख लें घी के, थोड़ा सा मीठा रख लें। मंदिर में जाकर शंकर भगवान की पूजन करें, 5 दिए मंदिर के अंदर शंकर जी के सम्मुख में लगा दें, शंकर जी की पूजन अर्चना करें। प्रसाद जो लेकर गए हो उसके 3 भाग करें, 2 भाग मंदिर में समर्पित कर दें, 1 भाग 1 दिया थाली में रखकर वापिस ले आए। घर के दरवाजे पर अंदर प्रवेश करते समय घर के बाहर बैठकर 1 दिया घर के राइट भाग में प्रज्वलित कर दें, जो दिया एक बचा कर लाए उसको जला दे, वहां दिया लगा दे। और जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो, एक घर के अंदर पहुंचकर भोजन करते समय सबसे पहले उसी प्रसाद को भोजन में पाए, उसके बाद में भोजन ग्रहण करें। एक समय फलहार करना है, सुबह शाम को भोजन करना है, शंकर भगवान का पूजन स्मरण करना है। बीच में अगर माताएं जो व्रत करती हैं उसमें मान लो 7 दिन तक रजो धर्म आ जाता है, नारी जो पूजन नहीं कर पाती है, तो उस समय पर केवल व्रत करें, पूजन ना करें, पर वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में दिए लगाए गए हैं केवल वही व्रत गिनती में आएंगे महाराज। ऐसा 5 व्रत करो और 5वां व्रत जब पूर्ण हो जाए, एक श्रीफल 11 रुपए शंकर भगवान को उद्यापन के रूप में समर्पित कर दो, बाबा से विनती कर बाबा हमारी ये कामना है उसको पूर्ण करें।